हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्टिंग यू एंड मी। सबसे पहले आप वेरी हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी आफ्टरनून, हैप्पी इवनिंग एंड हैप्पी नाइट टू यू ऑल। तो जिस भी टाइम आप इस ब्लॉग को देख रहे हो, आई होप कि आपका वो टाइम हैप्पी हो। वो काफी टाइम के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, एक महीने से ज्यादा हो गया आई गेस। सो एक महीने से मैं अपने होम टाउन में थी, गोरखपुर में। सो वहाँ पे मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। अब रीजन आप अगर जानना चाहो कि मैं ब्लॉग शूट क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गोरखपुर भी एक जगह है, वहाँ पे ब्लॉग शूट हो सकता है। तो ऑफकोर्स हो सकता है, लेकिन मैं वहाँ पे गई हुई थी किसी रीज़न से, मतलब कि एक शादी में। तो वो शादी ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में गई थी, वो शादी मेरे अपने घर में थी। मेरी बड़ी मम्मी की बेटी की शादी थी, मेरी बहन की शादी थी। तो उसमें वी वर नॉट द गेस्ट, वी वर द होस्ट एक्चुअली। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा काम होता है, इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं है कि मैंने शादी का कुछ भी ब्लॉग नहीं शूट किया, मैंने शादी का ब्लॉग ऑफकोर्स शूट किया है। क्योंकि जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है, ये हमारे घर की पहली शादी थी, तो ऑफकोर्स इसका ब्लॉग मैं शूट ना करूँ ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो मैंने किया है ब्लॉग शूट, वो व्लॉग भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं उसे थोड़ा सा, बस उसकी थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है, क्योंकि मैं उसे आपके सामने थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मैं बस एक महीने के बाद मैं व्लॉगिंग में कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मैंने कुछ भी उठा उठा के डाल दिया ऐसे ही व्लॉगिंग में जल्दी जल्दी में। सो मैं उसको प्रॉपर अच्छे से एडिट करके, एक पूरा शादी का व्लॉग बना के मैं उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहती हूँ आप लोग को। तो आपको देखने को मिलेगा कुछ टाइम के बाद, ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैंने सोचा कि तब तक क्यों ना मैं अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट लखनऊ आए हुए हो गया है एक वीक से ज़्यादा ही हो गया है। सो मैं यहाँ पे आ गई थी 5 को, यानी कि 5th of June को, और आज है डेट 15, यानी कि मुझे हो गए कितने सारे डेज, ओ माय गॉड 10 डेज या सो 10 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए। तो एक वीक से ज़्यादा ही हो गया है, और एक भी दिन इस पूरे वीक में और या फिर इन 10 डेज में ऐसा नहीं गया है जो कि मैं बिल्कुल फ्री रही हूँ। मैं कुछ ना कुछ करती आई हूँ इन 10 डेज में, तो ये बहुत ज़्यादा फ्री टाइम नहीं था। तो मैंने ये सोचा था कि ये वाला जो वीक है, मतलब कि जो आज 15th of June है और आगे के 3 दिन, जो 4 दिन बचे हुए हैं इस वीक में मैं जितनी भी पेंडिंग चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी ब्लॉग की। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा हमारा, मतलब कि मंडे से, मैं एक प्रॉपर व्लॉगिंग, मतलब कि डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, और उसमें व्लॉग्स आपको डेली देखने को मिलेंगे। सो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि मैं महीनों में व्लॉग डाल रही हूँ या एक महीने में एक व्लॉग डाल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बहुत ज़्यादा इरेगुलर मैं रही हूँ और मैं रहती भी हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैंने पूरी चीज़ें अच्छे तरीके से एनालाइज की है। सो कुछ भी होगा, मतलब डेली बेसिस पे छोटी बड़ी कोई भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। स्टे ट्यून्ड गाइस, फ्रॉम मंडे यू विल गेट टू सी डेली व्लॉग्स। तो अगर आप इस वीडियो को अभी सिर्फ देख रहे हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ। कहते हैं अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं जब यहाँ पे आई हूँ उसके 2 दिन के बाद मैं मूवी गई थी अपनी फ्रेंड के साथ। सो मैं मूवी गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, मतलब कि अपनी हार्टी के साथ, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो बहुत ही अच्छा दिन था, बहुत मज़ा आया। हम लोग पहली बार ऐसी आउटिंग पे गए थे जहाँ पे सिर्फ स्वर्णिका और मैं थी, मतलब हम दोनों साथ में गए थे। ऐसे हम लोग गए हुए पहले भी हैं, लेकिन और भी लोग होते थे हमारे साथ। अचानक से प्लान बन गया कि चलो चलते हैं। सो मैं भी काफ़ी टाइम के बाद घर से वापस आई थी, तो मैंने कहा हाँ चलो चलते हैं, कहीं भी नहीं गई हूँ काफ़ी दिन से, तो चलते हैं। तो हम दोनों गए मूवी के लिए और हमने बहुत इन्जॉय किया। तो आप भी देखो कि हमने क्या क्या किया मूवी पे और कैसी रही हमारी पहली आउटिंग। लुक हूज हियर, हाय हार्टी, लेट्स गो। Stepping out of our comfort zones. We are very, very excited. एक्सीलेटर तो ये, और नहीं नहीं ये एक्सीलेटर बना दिया उसको, लेकिन ये है एस्केलेटर्स। या पूरा खाली खाली मॉल, शायद कंफर्टेबल ज़्यादा ये इसीलिए लगता है क्योंकि ये पूरा मॉल ही खाली। Okay,
कोविड फैल रहा है वापस से। सीधी लगती है ये कैमरा ऑन होते ही, मतलब एकदम आई एम नो यू आर नॉट। अरे ऐसा कुछ तो नहीं ना, पकड़ा जाएगा। यू आर नाइस। अभी हम लोग की मूवी अब ये ख़त्म और अब हम लोग कहाँ हैं बहन? डोमिनोज क्योंकि हम लोग बहुत भूखे हैं और सर में बहुत जोर से दर्द, वेट कर रहे हैं खाना खाने के लिए। तो हम लोग इतने बड़े वाले हैं, गलत चीज़ नहीं बोल रही है, कंट्रोल करते हैं वो हैं जो भी है, डैश है कि हम लोग इंटरवल में वॉशरूम में पिक्चर्स क्लिक करी और ऊपर से हमने मूवी भी मिस कर दी। खतरनाक सीन जो मोस्ट फेमस की आर अडवानी के ऊपर और उसमें से कुछ खाया भी नहीं, फिर वापस आके वैसे बैठ गए। आपा सलाम। कैसे है भाई? ओ भाई शर्म भी नहीं आ रही है कि एक दोस्त जो है वो बिना किसी चीज़ के टहल रही है। लो तुम भी ले लो, क्या बस लो, इतनी अच्छी हो तुम भी। कैसे लग रहे हम लोग। और यहाँ पे चल रहा था भंडारा तो इसे कैसे मिस कर सकते हैं, इसे टेस्ट करना तो बनता है। भंडारा तो यहाँ से हो गए हैं हम लोग के रास्ते अलग अलग और हम लोग निकल चुके हैं अपने अपने घर के लिए। और ये रही मैं फाइनली घर के बहुत ही करीब। तो मैं फाइनली पहुँच गई हूँ घर। अब मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे सेफ एंड पीस आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।